हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी टमी टू हैप्पी हार्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ रवा उत्तपम की रेसिपी। रवा उत्तपम बनाने के लिए हमें सूजी या रवा की ज़रूरत होगी, साथ ही दही की। एक कप रवा लिया है मैंने, हाफ कप दही और उसका एक घोल बना लिया था। उसे आधे घंटे के लिए हम रेस्ट करने छोड़ेंगे। अगर उसमें पानी की ज़रूरत है तो उसमें पानी ऐड करेंगे। साथ ही कुछ सब्जियाँ, शिमला मिर्च, टमाटर, अनियन, ग्रीन चिली लिया है, रेड चिली पाउडर और जीरा मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल करने के लिए लिया है, नमक और बेकिंग सोडा लिया है, साथ ही लेमन जूस लिया है, हाफ लेमन का यहाँ पे जूस लिया है। सबसे पहले तो इस बैटर में हम नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बैटर हमें इडली बैटर के जैसे ही चाहिए। अब हम ये नींबू में बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और जैसे इसमें बबल आने लगते हैं इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये इसको पफ करने का काम करता है। आप इसकी जगह इनो सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक पैन गरम करेंगे, उसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब इसके ऊपर ये बैटर हम पोर करेंगे। मैं यहाँ पर मिनी उत्तपम बना रही हूँ। इसके ऊपर अनियन, टमाटो, कैप्सिकम और ग्रीन चिली डालेंगे। साथ ही इसके ऊपर जीरा स्प्रिंकल कर देंगे और रेड चिली पाउडर, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। दूसरा उत्तपम भी हम इसी तरह उसकी टॉपिंग कर लेंगे। आप चाहे तो अपनी मर्जी से भी इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे अब ढक्कन लगा के हम थोड़ी देर पकने देंगे। इसे स्लो आंच में हम 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। अब इसे हम फ्लिप कर लेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी कुक हो जाए अच्छे से। दूसरी साइड से कुक करते हुए हमें इसे कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जल्दी कुक हो जाता है। अभी रेडी है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया इसमें कलर आया है। दूसरे उत्तपम को भी हम इसमें प्लेट पर निकाल लेंगे। अब एक और उत्तपम मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। उससे पहले पैन को साफ करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे टिश्यू पेपर से साफ कर लीजिए और फिर इसके ऊपर बैटर डालिए और सेम टॉपिंग से आप इसे बना सकते हैं। साइज़ आपको जैसा पसंद है उस हिसाब से आप साइज़ रख सकते हैं। इसे भी इस तरह फ्लिप कर लेंगे और अब ये रेडी है तो इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये। आज मैं आपको चॉकलेट उत्तपम की रेसिपी भी बता रही हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मैंने अपने घर में ट्राई किया है, होप आप लोगों को पसंद आए। इसके लिए हम सेम बैटर लेंगे, इसे पैन में इस तरह पोर करेंगे। इसको हम थोड़ा थिक रखेंगे। अब इसके बाद हम इसमें चॉकलेट सॉस या चॉकलेट सिरप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे इसके ऊपर किसी भी शेप में आप डाल सकते हो। मैं इसे सर्कल बनाते हुए डाल रही हूँ, पर ध्यान रखिएगा कि ये बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि चॉकलेट मेल्ट होकर बाहर की तरफ ही जाएगी और वो बर्न हो जाएगी तो फिर वो टेस्ट में अच्छी नहीं लगती। इसे कवर कर लीजिए। इसे 5 मिनट के लिए हल्की आँच पकाएंगे और इसे हम फ्लिप नहीं करेंगे क्योंकि चॉकलेट है इसमें तो वो जलने का खतरा है। इसे हम ऐसे ही प्लेट में निकालेंगे। कुक हो चुका है अच्छे से। ये देखिए बहुत बढ़िया मस्त उत्तपम बना है। बच्चों को ये बहुत पसंद आया है। मैंने अपने घर में ट्राई किया है ये, आप भी ट्राई कीजिए। आप भी रेगुलर उत्तपम भी ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।